नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिमन्यु भार्गव, नाड़ी एक्सपर्ट, वेलनेस कोच, आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज नाड़ी की बातचीत वैद्य के साथ कैसी होती है उसको साझा करें। कुशल वैद्य के लिए नाड़ी की गति, स्पंदन, स्थान, चाल, व्यग्रता, शीतलता, कठिनता और उसके लक्षण, उसकी वैद्य के साथ एक बातचीत है जिसके माध्यम से वैद्य नाड़ी की भाषा चाल समझकर ही क्लियर कर जिस व्यक्ति का, जिस रोगी का नाड़ी देखता है उसका हल, उसका समाधान, उसका रहस्यमयी शरीर में घटित होने वाली घटनाओं का, लक्षणों का ब्यौरा और व्याख्या के आधार पर देता है। यही है नाड़ी की वैद्यवान्ता। नाड़ी बोलती है, समझने वाला ज्ञानी होना चाहिए जो उसके भाव को, उसकी परेशानी को समझ सके और समाधान दे सके। यही है नाड़ी निदान विद्या। इस रहस्यमय वार्ता के बारे में जब नाड़ी बोलती है उसको कैसे ट्रांसलेट करें, उसको कैसे समझें, उसके लिए आइए जानते हैं कुछ आवश्यक सरल बातें और तरीके। सर्वप्रथम नाड़ी देखने वाले व्यक्ति को शांत और परोपकारी होना चाहिए, मानव मात्र की सेवा के लिए समर्पण होना चाहिए, ईश्वर प्रेमी और शांत चित्त का होना चाहिए, एकाग्रता और कुशलता का अभ्यासी होना चाहिए, प्रकृति को साक्षी मानकर निरंतर प्राकृतिक कार्य को करने में बल प्राप्त करने वाला होना चाहिए। रोग को पूरा जानने के लिए दोनों हाथ की नाड़ी देखने से अधिक जानकारी मिलती है। पुरुष एनालिटिकल कैलकुलेटिव होने के कारण लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, इसीलिए दाहिने हाथ की नाड़ी में स्पंदन काफी स्पष्ट और क्लियर होता है, इसीलिए दाहिने हाथ की नाड़ी पुरुषों में देखने का प्रावधान है। स्त्रियों की नाड़ी बाएं हाथ में देखने का प्रावधान है क्योंकि स्त्रियां लविंग, कंपैशनेट, दयालु हृदय की होती है। उनका दाहिना ब्रेन ज्यादा क्रियाशील होता है, इस कारण उनके बाएं हाथ की नाड़ी में स्पंदन काफी क्लियर और स्पष्ट होता है। मेरा अनुभव है कि कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार ब्रेन लेफ्ट और राइट एक्टिव होते रहते हैं, तो चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों की दोनों हाथ की नाड़ी देखें, रोग रहस्य को, रोगी की प्रकृति को जानने के लिए जरूर देखनी चाहिए। नाड़ी का ज्ञान बहुत रहस्यमयी है, बहुत ही विशद है, बड़ा है। इसके लिए इसके अंश को बीच बीच में सरल और व्यवहारिक बनाकर आप तक लाते रहें। यदि हमारा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि व्यवहारिक जानकारी आपको मिलती रहे। संपूर्ण स्वास्थ्य, पारिवारिक, त्रैमासिक, ई मैगजीन, सेहत संदेश की आजीवन सदस्यता निःशुल्क प्राप्त करें, जिसमें वेद, आयुर्वेद और योग के व्यवहारिक विषय निरंतर आप लोगों की रुचि के हिसाब से आपके हाथ में और आपके पास में मिलता रहेगा। निःशुल्क सदस्यता का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। धन्यवाद।